वेलकम टू द एक्स्ट्रा क्लास इंग्लिश और आज हम करने वाले हैं हॉर्नबिल बुक का चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज बाय ए आर विलियम्स। अब आई नो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग साउंड करता है बिकॉज इट हैज़ सम फैक्ट्स। इसीलिए हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें पहले पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि टट कौन था, देन आई विल टेल यू अबाउट उसकी हिस्ट्री क्या थी, एंड लास्ट में मैं बताऊँगी उससे रिलेटिव साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हुई, सो दैट ये जो पूरा चैप्टर है ये भी हम कवर कर लें, फैक्ट्स भी हम समझ जाएं और हिस्ट्री भी हम समझ जाएं। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टट। सो फेरो, फर्स्ट आप ये वर्ड देखेंगे जब अपनी बुक में, इसका मतलब होता है किंग, राइट? सो इजिप्ट में किंग को फेरो कहते हैं। सो किंग टट एज इन द फेरो टट, तो वो किंग बने थे ऑलमोस्ट जब वो 11 ईयर्स के थे, राइट? एंड उनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था और उन्होंने अपने दो नाम खुद रखे थे। फर्स्ट था टुटनखामुन, देन इज टुटनखातेन, एंड उसको हम छोटे में जो आजकल बोलते हैं दैट इज टुट। सो आप देखेंगे ये दो जो नाम हैं दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर, सिर्फ इनकी एंडिंग डिफरेंट है बिकॉज दीज एंडिंग वर्ड्स इटसेल्फ हैव देयर मीनिंग। अब उसका मीनिंग है, आमुन का मतलब होता है इट्स एन इजिप्शियन गॉड ऑफ सन एंड एयर। जैसे हमारे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग गॉड्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं। एंड एटन का मतलब होता है डिस्क ऑफ द सन। नाउ बिकॉज ही वर्शिप दीज टू, दैट इज वाई इनके नेम के आगे ये दोनों नाम लगे हुए हैं। नाउ ही वॉज बॉर्न इन 1341 BC एंड ही डाइड इन 1321 BC। सो ये एक माइन्यूट डिटेल है दैट यू नीड टू कीप इन माइंड जब हम ये चैप्टर को कवर करेंगे। सो अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। ये तो किंग टट के बारे में था, अब देखते हैं क्यों इतनी मिस्ट्री है और ये जैसे कहते हैं द सागा कंटिन्यूज। व्हाट डज सागा मीन? सागा का मतलब कोई चीज़ बहुत लंबी स्टोरी जो चलती आ रही है, तो किस चीज़ के बारे में, व्हाट इज सो, व्हाट ऑल इज द फस अबाउट इट, वो हम देखते हैं अब। सो जैसे हर कल्चर हर कंट्री के अपने बिलीव्स होते हैं, वैसे ही इजिप्शियन बिलीव्स इन आफ्टर लाइफ, यानी कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है। सो व्हाट दे डिड, जब भी वो किसी किंग को बरी करते थे सो दे ममीफाइड इट। जैसे आपने मूवी देखी होगी ममी, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ममीफाई का मतलब क्या होता है। सो दे ममीफाइड देम एंड उनके साथ वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिचेस, बहुत सारे ज्वेल्स रखते थे। जैसे किंग टट के साथ बहुत सारी चीज़ें लोगों ने जो उस टाइम पे थे उनके साथ बहुत सारी चीज़ें दफनाई थी, जिसमें बहुत सारे गोल्ड थे, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स थे। एंड जिस कमरे में वो थे, जो 26 फीट डाउन जो उनका एक डूम था, उसके अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी हैं। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज 1922 में हावर्ड कार्टर ही डिसाइड्स कि वो ढूंढेंगे टुट को, किंग टुट को। सो ही वॉज द वन हु डिस्कवर्ड किंग टुट। एंड इन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज ही वॉज अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो इन पुरानी चीज़ों को देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, जैसे कोई पुरानी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत पुराने टाइम की हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। एंड दैट इज़ वाई बिकॉज वो इच्छुक थे सो ही डिस्कवर्ड द ममी ऑफ किंग टट। नाउ जब उन्होंने देखा सो दे आर थिंग्स दैट ही रिवील्ड एंड दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड। सो किंग टट को 3-लेयर्ड गोल्ड कॉफिन में उनके लोगों ने बंद किया था या फिर बरी किया था। तो आप सोच सकते हैं द अमाउंट ऑफ वेल्थ, द ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट वॉज देयर विद हिम। ही वॉज बरीड इन 3-लेयर्ड गोल्ड कॉफिन। एंड उनको जब उन्होंने डिस्कवर किया, जब उनको बाहर निकाला, तो लोग कहते थे कि उनकी मम्मी पे ये लिखा है कि जो भी किंग को डिस्टर्ब करेगा, बिकॉज दिस दे थिंक कि डेथ इज जस्ट अ स्लीप, बिकॉज इसके बाद आफ्टर लाइफ है। सो उनकी मम्मी पे लिखा था कि जो भी किंग को डिस्टर्ब करेगा उसकी डेथ आएगी एंड ही विल डाई इन वेरी अनयूजुअल वे। सो जब उन्होंने उसे डिस्कवर किया तो
जैसे वो उसको तोड़ने की या खोलने की कोशिश करने लगे, देखने की कोशिश करने लगे, ही रियलाइज इट इज़ नॉट सो ईजी. ना वाई इट्स नॉट ईजी, बिकॉज वो एकदम उनकी जो बॉडी थी उस कॉफिन के साथ चिपक चुकी थी बिकॉज ऑफ द रीजंस. अब रीजंस क्या होता है, कोई भी पेड़, स्पेशली चीड़ का पेड़ अगर आपने देखा होगा तो उसमें से एक बहुत ही स्टिकी सब्सटेंस निकलती है जिसको हम बाद में गम बनाते हैं. सो उस टाइम पे ऑब्वियसली यही सारी चीज़ें होती थी. तो बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दैट उनकी बॉडी को ममीफाई किया गया था और उस कॉफिन में डाला गया था. सो दैट इज़ वाई अब उनकी बॉडी और कॉफिन बिल्कुल चिपक चुके थे. सो उनको हटाना, उनके बारे में पढ़ना, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वॉज देयर कि किंग टुट कैसे मरे, इन सब क्वेश्चंस के जवाब लेने के लिए इट वॉज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि उनकी बॉडी को एक्चुअली पढ़ा जाए, स्टडी करा जाए. सो देन वॉट ही डिसाइडेड कि उसको बाहर निकाला उन्होंने जब, तो उसको बहुत ज़्यादा बाहर धूप में रख दिया. 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के अंदर उनको धूप में छोड़ दिया बिकॉज ही थॉट कि शायद थोड़ा सा असर पड़ेगा, शायद वो अब उनको पढ़ पाएंगे. सो दैट इज़ वाई उन्होंने बाहर उन्हें रख दिया. बट इतना ज़्यादा वो हार्ड था, इतना ज़्यादा मजबूत थे वो कि वो नहीं टूट पाए. सो ही डिड नॉट हैव मच चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं था. उन्होंने कहा कि मुझे लिम बाय लिम करके उनकी बॉडी को निकालना पड़ा, तोड़ना पड़ा, ताकि मैं उसको स्टडी कर सकूं. बिकॉज अगर मैं ऐसा ना करता और अगर किसी के हाथ वो लग जाती, किसी चोरों के हाथ अगर वो लग जाती, तो शायद वो इस बॉडी की केयर भी नहीं करते, वो इतना सारा जो गोल्ड है इसको लेके भाग जाते. सो इन हिज डिफेंस ही सेड कि मुझे ऐसा करना पड़ा बिकॉज इतनी ज़्यादा स्टिक हो चुकी थी बॉडी उन कॉफिन से एंड गोल्ड से कि लिम्ब बाय लिम्ब करके ही उनको उसको हटाना पड़ा. एंड देन उसको निकाला, उन्होंने असेंबल किया और वापस एक वुडन बॉक्स के अंदर रख दिया. सो अब इन 1968, अब आप देखेंगे कि डिस्कवर इन्होंने किया था 1922 में. ही वॉज सक्सेसफुली एबल टू टेक आउट दैट बॉडी ताकि उसको कोई फर्दर स्टडी कर सके. सो जब 1968 में एक एनाटमी के प्रोफेसर ने उसे स्टडी किया, उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अजीब चीज़ नोटिस करी. नाउ व्हाट वाज इट, लेट्स सी. सो व्हाट दिस एनाटमी प्रोफेसर स्टडीड की, जब उन्होंने एक्सरे किया तो उनकी ब्रेस्ट बोन और रिब्स मिसिंग थे. सो दिस वाज द रेवलेशन दैट ही डिड जब उन्होंने 1968 में एक्सरे किया किंग टुट की बॉडी को. सो नाउ इफ वी गो बैक टू हावर्ड कार्टर्स डिस्कवरीज, जो उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया कि टट की बॉडी को 3 लेयर ऑफ गोल्ड कॉफिन में रखा गया था. सो उनकी डिस्कवरी में उन्होंने देखा कि उसके अंदर क्या क्या था, यानी कि उन लेयर्स के अंदर क्या क्या था. सो लेट्स सी क्या क्या उन्होंने देखा. सो एट द टाइम ही डिस्कवर, उन्होंने देखा कि फर्स्ट लेयर ऑफ कॉफिन में, आई शुड से गोल्ड कॉफिन में, उन्हें मिला गार्लैंड ऑफ ऑलिव लीव्स. गार्लैंड यानी कि मालाएं ऑलिव की, लीव्स की, राइट. एंड देन लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स, ये उन्हें मिला. सो यू कैन सी कितने रिस्पेक्टफुली उन्होंने उनको बरी किया था. विद ऑल द रिचेज, विद ऑल द गोल्ड, विद ऑल द प्रेशियस जेम्स, ही वॉज बरीड इन सच अ मैजेस्टिक, इन सच अ ग्रैंड वे. एंड देन नाउ आई शुड से, इसके बाद आपको वो बात याद रखनी चाहिए कि 1968 में एक एनाटमी प्रोफेसर ने जब स्टडी किया था तो क्या उन्होंने डिस्कवर किया था. तो ये आपका एक सीरीज बन जाएगी, 1922 एंड देन उसके बाद 1922 के इवेंट्स एंड देन 1968. सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर द एनाटमी प्रोफेसर जिन्होंने एक्सरे किया था. सो दिस इज़ द ईयर्स, दिस इज़ द सीरीज. अब आपको याद रखने में आसान होगा कि क्या इवेंट कब हुआ था. नाउ इन 2005 जनवरी 2005 इनकी बॉडी को ले जाया गया फॉर सिटी स्कैन. नाउ सिटी स्कैन उस टाइम पे एक मम्मी के लिए करना, इट वाज अ वेरी न्यू थिंग, बहुत ज़्यादा नई चीज़ थी. इनफैक्ट टुट वाज द फर्स्ट मम्मी हु हैज़ गॉन थ्रू द सिटी स्कैन मशीन. एंड ये सिटी स्कैन मशीन किसने इनको डोनेट करी थी फॉर दिस होल पर्पज़, साइमंस, जो उस सिटी स्कैन मशीन का मैन्युफैक्चरर था.
He himself donated that machine ताकि CT scan आराम से हो सके. So he was the first mummy that has gone through the CT scan. So during this process, जब उनको ले जाया गया था CT scan के लिए, because जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऐसा बोला जाता था कि उनकी मम्मी पे लिखा था कि जो भी उनको किंग को सोते हुए डिस्टर्ब करेगा उसके साथ कुछ बुरा होगा या उसकी डेथ आएगी. सो ऐसा बताया गया है कि इस तरह का माहौल हो गया था बाहर. बट जैसे ही उन्होंने उनको स्टडी किया, इट जस्ट टुक देम लेस देन 3 आवर्स टू स्टडी हिम एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया एंड एनालाइज किया कि क्या उनके साथ कुछ गलत हुआ था, हाउ डिड ही डाई, एवरीथिंग, एवरी मिस्ट्री दैट सराउंड्स किंग टुट, क्या उनकी एक नेचुरल डेथ थी. सो दे स्टडीड इट एंड इट वेंट क्वाइट वेल एंड द रिजल्ट्स वर आल्सो ओके, बिकॉज ऐसा उनकी स्टडी में आया था कि नथिंग एक्चुअली वेंट रॉन्ग विद किंग टुट, ही डाइड प्रीटी मच नेचुरली. सो ये एक कंक्लूजन उन्होंने ड्रॉ किया था. एंड देन आफ्टर जब उन्होंने उनकी बॉडी को स्टडी किया, उसको वापस जाके उन्होंने बरी कर दिया था. सो इस तरह से आप इस सीरीज़ को रिमेंबर कर सकते हो कि किस तरह से 1922 में हावर्ड कार्टन स्टडी किया एंड देन किस तरह से उनको उसकी बॉडी को बाहर निकाल के उनके लिम्स को रिमूव करके उसको स्टडी करना पड़ा एंड देन ही डिस्कवर्ड कि उस टूम के अंदर क्या क्या चीज़ें थी उनके आसपास. ही फाउंड कि उनकी जो बॉडी थी 3 लेयर गोल्ड कफिन के अंदर बरेड थी, which had garlands of olive leaves, lotus petals and corn petals. And then आप देखेंगे कि किस तरह से 1968 में एक anatomy professor ने जब उनको study किया, x-ray किया, तो उनको पता चला कि उनकी एक breast bone और ribs missing है. And then again his body was brought to study on 5th Jan 2005. It was put to CT scan. He was the first mummy who went to the CT scan. And the manufacturer of the machine himself donated this CT scan machine for this purpose. So, ye kuch facts the that you need to keep remember the facts that the chapter is talking about. Ab thodi si history yahan pe humne King Tut ki padhi hai. Thoda humne padha hai about the facts. The only thing that is left to study is King Tut ke jo ancestors the unke bare mein. सो लेट्स सी कि उसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर रखा है इस छोटे से चैप्टर में. सो ये हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट द एंसेस्टर्स ऑफ किंग टुट. सो उनके फादर या ग्रैंडफादर का नाम था एमेनहोटेप III, राइट. एंड देन उनके बाद उनके सक्सेसर आए हु वाज एमेनहोटेप IV. इन्होंने क्या किया, 3 मेजर काम किए दैट आपको याद रखने हैं. फर्स्ट इज ही प्रमोटेड वर्शिप ऑफ एटन एंड दैट इज़ बाय उनके नाम के आगे क्या लगा है, अखेंटन, राइट. हमने पढ़ा था एटन क्या है, हमने पढ़ा था आमुन क्या है. सो द वर्शिप ऑफ सन एंड एयर क्या था, आमुन, एंड एटन क्या था, डिस्क ऑफ गॉड. तो दैट इज़ बाय इनके नाम के आगे ये लगा है. देन इन्होंने क्या किया था, ही मूव्ड कैपिटल फ्रॉम थीब्स जो कि ओल्ड सिटी थी टू अ न्यू कैपिटल सिटी जो उन्होंने बनाई थी अखेटेटन. ये एक न्यू सिटी थी जिसको आज कहा जाता है अमारना. थर्ड थिंग ही डिड वॉज इन्होंने अटैक किया था आमुन इमेजेस एंड टेम्पल्स को, यानी कि उन्होंने जो पुरान जो वे था वर्शिप का आमुन का, आमुन यानी कि द वर्शिप ऑफ सन एंड एयर, उन गॉड की, इजिप्शियन गॉड की वर्शिप, तो उनके आइडियल्स को, उनकी इमेजेस को, उनके टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था. सो दिस वॉज डन बाय एमेनहोटेप IV हु वॉज द सक्सेसर ऑफ एमेनहोटेप III. सो ये 3 थिंग्स आपको याद रखनी है. एंड इनके बाद एक बहुत ही ब्रीफ टाइम के लिए रूलर आया था जिसका नाम था स्मेनखाखेर, जो बहुत ब्रीफली आया था, ज़्यादा कुछ रोल नहीं था उनका हिस्ट्री में. एंड आफ्टर हिम केम टुट. सो टुट वॉज द लिविंग इमेज ऑफ आमुन एंड दैट इज़ वाई उन्होंने रिस्टोर किया था वापस जो वर्शिप थी ऑफ आमुन, क्योंकि एमेनहोटेप IV ने उस वर्शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, टेम्पल्स को, इमेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था. सो टुट वॉज द लिविंग इमेज ऑफ आमुन बिकॉज उन्होंने रिस्टोर किया था दैट ओल्ड वे ऑफ वर्शिप. सो दीज आर द फैक्ट्स अबाउट हिज एंसेस्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर यू टू लर्न. द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट किंग टुट इज दैट ही डाइड अराउंड 3300 ईयर्स अगो
एंड ही वॉज अ टीन व्हेन ही डाइड. सो इस बात से आपको ये चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि जब उनको थ्रोन मिला था सो ही वॉज क्वाइट यंग. सो वी हैव फाइनली फिनिश्ड द चैप्टर डिस्कवरिंग टुट द सागा कंटिन्यूज बाय ए आर विलियम्स, जिसके अंदर मैंने चैप्टर को डिवाइड किया था पहले बता के अबाउट हु इज किंग टुट, उनके बारे में बताया, हमने उनकी हिस्ट्री देखी, हमने कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स देखे एंड देन हमने देखा कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनके बारे में क्या गिवन है चैप्टर में. मैंने आपको ईयर्स वाइज भी बताया कि अगर आप इसको इस तरीके से लर्न करेंगे तो आपके लिए आसान होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू.